नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैथ्स के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे स्टेटिस्टिक्स भाग तीन पर। अगर आपने भाग एक और भाग दो नहीं देखा है तो आप एनसीईआरटी ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए उन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। और क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं तीनों भाग एक दो और तीन, तो आपको एक और भाग दो देखना चाहिए तीसरा भाग समझने के लिए। पर फिर भी हम अपने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का सेशन शुरू करने से पहले जो पार्ट वन और पार्ट टू में करवाया गया था उसका एक थोड़ा सा रिवीजन वो ज़रूर करवाएं। टेंथ क्लास के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 10 के द्वारा और साथ ही साथ एनसीईआरटी ऑफिशियल के द्वारा भी। अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें तो हमारा नंबर है 8800440559। अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाइए। अगर आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in। आइए आपकी मुलाकात हम अपने एक्सपर्ट से करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर धीरेंद्र कुमार शुक्ला। स्वागत है सर आपका। नमस्कार मैडम। धन्यवाद। नमस्कार सर। हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल एनसीईआरटी से। और आइए हम सर से पूछते हैं कि सर थोड़ा सा समअप कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए पार्ट वन और पार्ट टू में क्या करवाया गया था और फिर आज का हम ये अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर ओवर टू यू। डेफिनेटली। सो हेलो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इट इज़ अ स्टेटिस्टिक्स थ्री यानी सांख्यिकी भाग तीन। तो जैसा कि बताया गया कि भाग एक और भाग दो हो चुका है, तो भाग एक में हमने मीन से संबंधित प्रश्न और उनकी जानकारियों के बारे में पढ़ा था और भाग दो में हमने मोड और मीडियन के बारे में विस्तार से जानकारी दी प्राप्त की थी। तो मीन मोड और मीडियन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके जो सूत्र हैं उनमें जो संबंधित कंडीशंस हैं उनको समझने के लिए हम भाग एक और भाग दो को देख सकते हैं। आज कक्षा स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ प्री रिक्विजिट पार्ट है जो पार्ट वन और टू में बताया गया है उससे जुड़ी कुछ जानकारियां कुछ सेशन के पहले और मेन कंटेंट लेने के बाद कुछ उसके बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम देखें कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर हम हिंदी में कहें तो सांख्यिकी वह माध्यम है जो डेटा के संग्रह संगठन विश्लेषण व्याख्या और प्रस्तुति से संबंधित है। हम किसी भी प्रकार का डेटा इंफॉर्मेशन के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के हम सर्वे करते हैं, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं, इन सभी को हम सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से इनकी जो निष्कर्ष हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखें कि इसमें आप मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं। तो मीन मोड मीडियन आर द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट मीन। सो द मीन इज द अरिथमेटिक ऑफ अ गिवन डेटा इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन रॉ फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट शुड बी मोड, द वैल्यू विच अपियर्स मोस्ट ऑफन इन द गिवन डेटा दैट इज द ऑब्जर्वेशन विद द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड अ मोड ऑफ डेटा। And third one is median, the value of the middle most observation obtained after arranging the data in ascending order is called the median of the data. तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि mean, mode, median की हमने यहाँ पर परिभाषाओं के बारे में बात की। इससे संबंधित जो conditions होते हैं कि जब data आपके पास grouped है, जब discrete group data है, तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे, इससे विस्तृत जानकारी आपको भाग एक और भाग दो के वीडियो में मिल जाएगी और यहाँ आज का कंटेंट लेने के बाद में अंत में भी इसके बारे में संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करूँगा। तो अभी हम मुख्य रूप से हम किस पर चर्चा करने वाले हैं उसे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। देयर इज एन एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस टू मीन। इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इफ फॉर अ सर्टेन डेटा मीडियन इज इक्वल टू 10 एंड मीन इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोड। यानी आप तीन में से कोई भी दो वैल्यू अगर आपके पास है तो तीसरे मान को आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। गिवन मीडियन इज इक्वल टू 10 मीन इज इक्वल टू 12 कंसीडर मोड इज एम देन अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन देम 3 मीडियन इज इक्वल मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, मीडियन में हमने रखा 10, मोड को हमने कंसीडर किया है m और मीन के लिए हमने लिया 12। इसको हल करने के बाद हम देखेंगे कि आपको मिलता है
m इज इक्वल टू 6, हेंस द वैल्यू ऑफ मोड इज 6। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास मीन, मोड, मीडियन तीनों में से किसी भी दो का मान अगर हमारे पास है तो हम तीसरे मान को बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर मैं छात्रों को बताना चाहूँगा कि मीडियन फाइंड आउट करने के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम सॉल्व करते हैं, उन्हें हमने काफ़ी विस्तृत रूप में वीडियो पार्ट टू में डिस्कस किया था। यहाँ पर जो ये वैरायटी क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास डेटा में कुछ मिसिंग टर्म्स हैं जिन्हें हमने वेरिएबल से शो किया है एक्स एंड वाई। तो हम किस प्रकार से फॉर्मूले को यूज़ करके मिसिंग टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देख रहे हैं कि मंथली कंजम्पशन इन यूनिट, जो कि आपको इंटरवल क्लास के रूप में दिया गया है, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी दिया गया है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपको बताया गया है कि 60 है, जिसके अंदर दो डेटा हमारे पास यहाँ पर मिसिंग है, जिसको हमने एक्स और वाई कंसिडर किया है। तो हम किस प्रकार से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हमने क्लास लिया जो कि इंटरवल है 0, 10, 10 to 20, अप टू 50 to 60, जिनके बीच में हमारे पास जो लेंथ है, जो गैप है, वो 10 का है। जो हमारे पास कंज्यूमर डेटा है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, उसे हमने एक कॉलम में लिया। प्रेजेंट करने के बाद हम देख रहे हैं कि टोटल वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 60। तो लास्ट कॉलम में समेशन ऑफ होल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैपिटल एन इज इक्वल टू 60। अब आप बराबर में देख रहे हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई आया। तो ये कहाँ से आया, इसे हम जरा देखेंगे। तो आप थर्ड कॉलम को फोकस करेंगे, जिसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो तरीका होता है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज आएगी, 5 विल बी 5 ओनली। उसके बाद हम कंटिन्यूस 2, फिर 3, फिर 4 वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे और हमें टर्म्स मिलते जाएंगे। सो इफ़ वी ऐड फर्स्ट टू टर्म्स 5 एंड x, तो 5 प्लस एक्स विल बी द सेकेंड वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली इफ़ वी ऐड फर्स्ट थ्री टर्म्स 5, x and 20, देन इट विल बी द थर्ड वैल्यू ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसी प्रक्रिया को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो हम देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट कॉलम होगा, दैट विल बी 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और दूसरी बात, हम जो जानते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है वो आपके फ्रीक्वेंसी की टोटल वैल्यू का सम होती है, यानी दैट इज इक्वल टू एन होता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लास्ट में हमने लिखा है समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल्स टू 60 इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इसकी सहायता से हम इसे हल करके देखेंगे। समीशन एफ आई इज इक्वल टू एन इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण मिल रहा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। इसकी हेल्प को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 1, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50। अगर हमें इसी प्रकार का एक और कुछ जानकारी मिल जाए एक्स या वाई के बारे में, तो हम दूसरे वेरिएबल को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है गिवन m इज इक्वल टू 28.5, मीन की वैल्यू जो आपको यहाँ पर दी गई है। तो हम देखें कि इंटरवल क्लास के अकॉर्डिंग m कहाँ पर आना चाहिए। तो m आना चाहिए 20 से 30 के बीच में। तो अगर 20 से 30 के इंटरवल में 28.5 आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए। तो l यानी कि जो लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू 20, कैपिटल n यानी फ्रिक्वेंसी का टोटल सम, दैट इज 60। उसी के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट क्लास हमने जो ली है 28.5, जो 20 टू 30 में आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है f, तो ये f का मान हमें इस प्रकार से मिल गया। और जिस फ्रीक्वेंसी में हमें f मिलता है, उसी के cf के ठीक ऊपर की वैल्यू, वो आपके लिए 5 प्लस एक्स हो जाएगी। और इंटरवल का जो लेंथ है वो h इज इक्वल टू 10 है। अगर h इक्वल टू 10 को हमें समझना हो, तो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्लास है 20 से लेकर 30 तक। अगर मैं 30 माइनस 20 करूँगा तो मुझे जो लेंथ मिलेगी वो h मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास सभी जो वांछनीय वैल्यू हैं हमें प्राप्त हो गई हैं, उनको हम फॉर्मूले में रखेंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस अंडर ब्रैकेट एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एच। सो पुट ऑल रिक्वायर्ड द वैल्यूज, देन बाई मेकिंग द सोल्यूशन वी विल गेट एक्स इक्वल टू 8 ओनली। सो by using equation number 1, x plus y is equal to 15, x plus y equal to 15, so again by making simple solution, y equals to 7. So hence, x equal to 8 and y equals to 7. तो इस प्रकार से देखा आपने कि हमारे पास कुछ जानकारियां प्रश्न में दी गई थी, और उसकी सहायता से हमने मीडियन का फॉर्मूला उपयोग करते हुए जो हमारे पास अननोन वैल्यूज थी x और y, उनसे हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only
to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. तो अगर इस प्रश्न का हम मतलब समझें तो हमें ऐसे लोगों को पॉलिसी दी गई है, 100 लोगों की संख्या है यहाँ पर, जिनकी जो आयु है वो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है. लेकिन अगर आप क्लास की बात करें, सबसे पहले कॉलम की बात करें एज इन ईयर्स, तो इसे इंटरवल क्लास में नहीं बनाया गया है, तो हमें सबसे पहले इसे इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसको हम देखें कि हमारे पास जो न्यूनतम आयु कही गई है वो 18 वर्ष की गई है, तो यानी बिलो 20. तो चूंकि इंटरवल क्लास हमेशा एक स्टैंडर्ड गैप में होती है, जो लेंथ होती है वो एक क्लास की वो सेम होती है, तो हम इसको अपने अनुसार 10 या 5 कितना भी गैप रख सकते हैं. तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 का इंटरवल लिया, सो फर्स्ट क्लास शुड बी 15 to 20. क्लियर? सो यू कैन सी हियर बिलो 20 कैन बी रिटन एज 15 to 20, बिलो 25 कैन बी रिटन एज 20 to 25. सो बाई मेकिंग द डिफरेंस ऑफ 5 वी कैन गेट अप टू बिलो 60, दैट इज 55 to 60. नेक्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. जो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार बच्चे इस प्रश्न में गलती करते हैं. यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ये फ्रीक्वेंसी है या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है. अभी हम ये कैसे पहचान पाएंगे, क्योंकि आपको प्रश्न में कहा गया है कि कुल 100 लोगों को पॉलिसी दी गई है और आप देख रहे हैं कि कॉलम का जो लास्ट वैल्यू है इक्वल टू 100 है, यानी आपके एफ के टोटल फ्रिक्वेंसी के बराबर है, समीशन एफ के बराबर है, एन के बराबर है. तो ये तभी हो सकता है जबकि ये कॉलम किसका हो, आपके पास कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता का कॉलम. तो इसकी सहायता से हम एफ निकालेंगे. तो जिस प्रकार से हम दो क्रमागत को जोड़ते हुए सी एफ बनाते हैं, उसी प्रकार से उसको हम उसी ऑर्डर में सबट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमें फ्रिक्वेंसी का कॉलम मिल जाएगा. सो 2 विल बी 2 ओनली, देन 6 - 2 = 4, देन 24 - 6 विल बी 18, देन बाई कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी विल गेट द लास्ट वैल्यू दैट इज 2. एंड इफ वी गेट द एडिशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसी कॉलम, सो वी विल गेट 100. सो बाई दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वेदर गिवन value is for frequency or cumulative frequency. Now, so we have to find first the what is the size of the observation. So size of n by 2th observation. So why I have taken n by 2th? Because the total sum of the frequency is 100, that is even number. So n by 2th observation, that is 50th observation. So 50th observation देखेंगे हम कि किसके अंदर आता है. अगर मैं 50th observation की बात करूँ तो वो जो आपका 35 से 40 का जो कॉलम है उसके अंदर आएगा. ठीक है, 78 के अंदर आपका 50th ऑब्जर्वेशन आएगा. तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारे वैल्यूज लिख लेंगे. L इज इक्वल टू 35, N इज इक्वल टू 100, F इक्वल टू 33. आप देख सकते हैं कि 78 के ठीक सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो 33 है. और जब हम CF लेंगे तो CF हमारे पास जो 78 के ठीक ऊपर वाली वैल्यू लेंगे तो दैट इज 45, और H हमारे पास 5 है. सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज हमने यहाँ पर ले ली हैं. अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे. So after putting values in the formula, we will get 35.76 years approx. Hence, the value of median age is mode is 35.76 years. ये हमारे पास age यहाँ पर इस प्रकार से निकल कर आती है. तो अब हम बात करते हैं next part की, graphical presentation of cumulative frequency. तो graphical presentation किस प्रकार से किया जा सकता है cumulative frequency का? तो अगर हम इसे इस प्रकार से समझें कि जब हम कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, दोनों के डेटा के बीच में हम रिलेशन बनाते हैं. तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है. तो जब हम कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं, उसे इंटरवल क्लास के साथ हम उसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, तो एक एस की आकृति जैसा बनता हुआ आपको एक कर्व मिलता है, जिसका एक हिस्सा कॉन्वेक्स कॉन्केव यानी अवतल उत्तल के रूप में होता है. तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसे हम ओगिव या कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कहते हैं. जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एन ओगिव और कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी कर्व. वी कैन ड्रॉ टू टाइप ऑफ ओगिव फॉर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव. सो फॉर दिस वी कैन कंसिडर अ क्वेश्चन. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री. Convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution and draw its ogive. So this is the question here. Daily income in rupees 100 to 120, 120 to 140 up to 180 to 200. And number of workers are there 12, 14, 8, 6 and 10. So we have to make the question by using less than condition. So solution,
daily income in rupees less than 120, less than 140, up to less than 200. And there is frequency also 12, 14, 8, 6, 10. So we can find out cumulative frequency. As you know, 12 will be remain as 12, then 12 plus 14 will be 26, then by adding 8 in 26 we will get next 34, by 34 plus 6 is 40, and last one is 40 plus 10 is equal to 50. So now we have to put all these values in the graph manner. So I have taken the same chart again just for a reference. So here I have made the graph. Now this is your OG. Clear? So we have plotted the graph in the points in x-axis. X-axis is for your value in rupees, and the y-axis is for your interval, that is for cumulative frequency. Clear? 10, 20, 30, 40, 50. Clear? So now class between in class interval and your cumulative frequency, there is a graph and points are connected there, and we have connected all the points by a conjunction line. So this is a graph, and you can see this is a slightly in the shape of S. हम अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से इसको नोटिस करते हैं. किसी में बड़ा कर्व दिखाई देता है, किसी में छोटा कर्व दिखाई देता है. तो इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसका हम ओगिव प्लॉट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ तक की जानकारी हुई कि जो आपके चैप्टर में जो दिया गया है उसका कंटेंट क्या था. तो यहाँ पर हमने मैं आपको बताना चाहूँगा कि थ्रू आउट आप मीन, मोड, मीडियन, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी और ओगिव, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास पोर्शन थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए. अब जैसा कि मैंने कहा था कि क्लास के अंत में मैं पिछली बातों के बारे में कुछ चर्चा करूँगा, तो यहाँ पर देखें कि जो हमने पढ़ा मीन, कि मीन क्या होता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन के जस्ट नीचे लिखी हुआ है मीन का स्पेसिफिक फॉर्मूला. सो मीन इज वॉट? एक्स बार रिप्रेजेंटेड बाई एक्स बार, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसके लिए कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि द मीन फॉर ग्रुप डेटा कैन बी फाउंड बाई द डायरेक्ट फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई. अगला फार्मूला होता है एज्यूम्ड मीन. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आप स्मॉल ए देख रहे हैं वो हम डेटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक सेंटर पॉइंट निकालते हैं और उसे हम एज्यूम्ड मीन कंसिडर करते हैं, और उस वैल्यू को हम सारे डेटा के साथ सबट्रैक्ट करते हैं जिससे हमें डी मिलता है. तो एक अनदर फार्मूला है. इस फॉर्मूले का जो उपयोग किया जाता है वो अगर हमारे पास लार्ज स्केल डेटा है तो उसको थोड़ा सा स्मॉल साइज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है. और थर्ड वन है द स्टेप डेविएशन मेथड. इसको भी हम मीन फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास अगेन एक लार्ज स्केल डेटा होता है और हमारे पास उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम सॉल्व करना होता है. साथ ही साथ हमारे पास इंटरवल वहाँ पर क्लास अवेलेबल होती है तो हम थर्ड फार्मूले का यूज़ करते हैं. इससे संबंधित जानकारियाँ आपको वीडियो नंबर 1 में मिल जाएंगी. फिर हम बात करते हैं मोड के बारे में. तो द वैल्यू विच अपियर्स मोस्ट ऑफन इन द गिवन डेटा दैट इज ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड अ मोड ऑफ डेटा. यहाँ पर दो केसेस होते हैं. पहला केस होता है अनग्रुप डेटा का. फॉर अनग्रुप डेटा वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मैक्सिमम टाइम. इसको करने के लिए हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और देन हम उसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं. अगर हमारे पास जो डेटा की संख्या है वो एक ऑड नंबर है तो हमें एग्जैक्टली एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, और अगर इवन नंबर है तो हमें सेंटर में दो वैल्यूज मिलेंगी, फिर हम उसका हम वहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं. अब बात आती है सेकेंड केस की, ग्रुप टू. केस टू, ग्रुप डेटा. When the data is continuous, the mode can be found using the following steps. First step होगा कि हमें modeled class पता करनी होती है जहाँ पर maximum frequency होती है, और then उसके बाद हम उसका formula apply करते हैं. यहाँ पर formula में आपको कुछ variables दिखाई दे रहे होंगे. इन variables का क्या मतलब है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L lower limit of the modeled class होता है, H size of the class interval होता है, F1 frequency of the modeled class होता है यानी जिस particular class को हमने select किया है उसकी frequency, F0 frequency of the class preceding the modal class यानी उसके ठीक ऊपर की frequency की बात करते हैं, और अगर हमारे पास F2 की बात करें तो frequency of the class succeeding the modal class यानी हमारे जो class select हुई है उसके frequency के ठीक नीचे वाली frequency. इस तरीके से हम उसको देखते हैं. फिर बात करते हैं हम median की. The value of the middle most observation obtained after arranging the data in ascending order is called the median of the data. यहाँ पर भी अगेन हमारे पास दो cases generate होते हैं. तो सबसे पहला केस है अनग्रुप डेटा का. स्टेप वन, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. स्टेप टू, लेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी एन. तो मोस्टली हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके सॉल्व करते हैं, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. सो इफ एन इज ऑड, एन से मतलब है काउंटिंग कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं. सो इफ एन इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वाई टूथ ऑब्जर्वेशन.
If n is even, then median will be n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divided by 2. ये हमारे पास दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले यहाँ पर आते हैं. केस टू होता है ग्रुप डेटा के लिए. आफ्टर फाइंडिंग द मीडियन क्लास वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन. हियर अगेन वी हैव सम वेरिएबल्स. सो स्मॉल n इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, स्मॉल n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड cf इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड h इज द साइज ऑफ द क्लास. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ तक हमारे पास जो सभी संबंधित जानकारियाँ थी जिसके बारे में हम इस क्लास में चर्चा कर सकते थे वो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की. अगर हमारे पास किन्हीं बच्चों के सवाल हैं या कोई अन्य विषय है तो हम उस पर हम चर्चा कर सकते हैं. जी सर, अभी तक कोई हमारे पास सवाल नहीं है. जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उसी पर बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं और उसी को समझ रहे हैं. यस जी. तो मैं कुछ एग्जांपल्स कंटिन्यू करूँ क्या? जी सर. मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगी हमारे सभी दर्शकों को, अगर आप मीन, मीडियन और मोड का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो हम तक अपने सवाल पहुँचाइए. आप हमें ईमेल कर सकते हैं dth.class10@cit.nic.in और इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं PME विद्या चैनल नंबर 10 पर. तो अपने सवाल हम तक पहुँचाइए. सर अभी भी हमारे साथ हैं और सर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. आप भी अपना पेन और पेपर रेडी रहिए और समझिए कि किस तरह मीन, मोड और मीडियन को निकाला जा सकता है. जी, मैं यहाँ पर जो आज का हमारा नया टॉपिक था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में फिर से मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगा कि शायद समय हो जाएगा इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में स्किप किया. तो अब यहाँ पर मैं देखें कि जब हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाली जाती है ये छात्रों को स्पष्ट है. जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहली जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी की होती है वो एज इट इज हम लेते हैं. 12 को हमने एज इट इज 12 लिया. देन हमारे पास जो सिक्वेंस में वैल्यूज हैं उनको हम ऐड करते जाते हैं. तो फर्स्ट टू वैल्यूज को मैंने ऐड किया तो 12 प्लस 4 14 26 मिला. देन फर्स्ट थ्री, अगर हम फर्स्ट थ्री को ऐड करके देखें तो हम इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की जो सेकंड वैल्यू है उसमें फ्रीक्वेंसी की थर्ड वैल्यू ऐड कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको सीएफ की जो फोर्थ वैल्यू मिल रही है 34. या आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के आप जो सिक्वेंस में वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे तब आपको सीएफ मिलता है. यानी फर्स्ट वैल्यू विल बी रिमेन फर्स्ट ओनली, देन एडिशन ऑफ फर्स्ट टू विल बी सेकंड, एडिशन ऑफ फर्स्ट थ्री विल बी थर्ड, एडिशन ऑफ फर्स्ट फोर्थ विल बी फोर्थ वैल्यू. तो ये तरीका थोड़ा समझने में ज़्यादा आसान होता है. तो अगर मैं पहली वैल्यू देख रहा हूँ तो 12 विल बी 12 ओनली, देन 12 प्लस 14 इज 26, 12 प्लस 14 प्लस 8 इज 34, देन 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 इज 40 एंड सम ऑफ द होल वैल्यूज क्योंकि हम लास्ट तक पहुँच गए हैं तो दैट इज 50. अगर हम देखें कि मैं अभी ये प्रश्न हमने लिया था जहाँ पर ये स्पष्ट नहीं था कि कॉलम सी एफ का है या एफ का है तो उसको भी हम यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि अगर आपके पास कभी क्वेश्चन में सीधे क्लास और आपके पास एक कॉलम दिया गया है फ्रीक्वेंसी का तो आप ये कैसे पता करें कि दिया हुआ कॉलम फ्रीक्वेंसी या कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का है. तो हमेशा ध्यान रखें कि जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है वो आपके फ्रीक्वेंसी कॉलम के टोटल समेशन होता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में आपको 50 मिल रहा है. अगर आप कॉलम फ्रीक्वेंसी को पूरा ऐड करेंगे तो वो आपको 50 के ही बराबर मिलेगा. इस प्रकार से हम एफ और सी एफ के कॉलम का डिफरेंस पता कर सकते हैं. दूसरा, जब मैंने ओगिव के बारे में चर्चा की तो यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ओगिव होता क्या है. कई बार क्या होता है कि हम जब डेटा हमें मिलता है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी और उससे रिलेटेड जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, जब हम उसको एक पर्टिकुलर ग्राफ पेपर पे जाकर उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हद से प्लॉट करते हैं तो हमें एक एस की आकृति बनता हुआ शेप दिखाई देता है. तो वो एस की आकृति बनता हुआ शेप तो अगर आप उसे आप एक लेंस से कंपेयर करते हुए देखें तो एक जगह आपको उठाव दिखाई देगा और एक जगह आपको दबाव दिखाई देगा. तो हम उसे अवतल उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस के थ्रू समझ सकते हैं. तो इस प्रकार से जो एक शेप निकल कर आता है इसे हम ओगिव कहते हैं. तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक्सिस में इंटरवल लिया 120, 140, 160, 180 एंड 200 और वाई एक्सिस पे आपका 10, 20, 30, 40 और 50 लिया. तो ये कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है. अगर आप देखें तो हमारे जो सेंटर पॉइंट वैल्यू है उसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा कर्व में घुमाव है. अगर हम यहाँ पर हमारे पास कुछ और अधिक मान होते इसी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो उस प्रकार से फिगर हमें और स्पष्ट रूप से दिखाई देता. तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ओगिव को समझ सकते हैं.
दूसरा जो एक महत्वपूर्ण गलती बच्चे करते हैं वो फॉर्मूले को समझने में कर पाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, मोड का फॉर्मूला जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो कई बार बच्चे F0, F1 और F2 का जो सिलेक्शन है वो गलत तरीके से करते हैं, मॉडल क्लास को सही तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो जब से हम सबसे पहले बात करते हैं कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, इसका मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। अगर मैं मोड की डेफिनेशन पे जाता हूँ तो द वैल्यू विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन द गिवन डेटा दैट इज द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ मोड ऑफ डेटा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास तो बहुत सारे क्लास बने हैं, 0 से 10, 10 से 20, मान लीजिए 90 से 100 तक गए हैं, तो हमें सबसे बड़ा क्लास नहीं लेना है कि जिसमें अंक बड़े हैं, हमें वो क्लास लेना है जिसमें फ्रीक्वेंसी का रिपीटिशन सबसे ज़्यादा हुआ है। यानी अगर मेरे पास 2, 8, 12, 15 दिया हुआ है तो 15 सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं 15 वाला जो क्लास होगा उसको सेलेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से हम क्लास को सेलेक्ट करते हैं। तो अब जब हमने क्लास सेलेक्ट कर ली तो हम देखेंगे कि उसकी एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी। मान लीजिए मेरा क्लास है 30-40, तो 30 मेरी वहाँ पर लोअर लिमिट है, तो उसे हम L कहते हैं। दूसरी बात आती है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। हमेशा याद रखिएगा कि जो क्लास इंटरवल होता है, जो साइज होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। अगर गिवन है तो डेफिनेटली इक्वल होगा, अगर हम क्रिएट करते हैं तो भी हम उसे इक्वल साइज में क्रिएट कर देंगे। इस चीज़ को समझने के लिए अभी हमने एक प्रश्न किया था जहाँ पर हमने वर्कर्स की वेजेस पॉलिसी होल्डर्स के लिए हमने एज क्राइटेरिया डिस्कस किया था, जहाँ पर मिनिमम एज 18 ईयर्स दी गई थी और मैक्सिमम एज 60 ईयर दी गई थी। फर्स्ट वैल्यू थी बिलो 20 और लास्ट वैल्यू थी बिलो 60। तो यहाँ पर हम देखें कि 20 से 18 कितना कम है, 2 कम है, तो क्या हम 18 से 20 और 20 से 24 और फिर 24 से 28 ऐसा रैंडम क्लास बनाएंगे क्या? नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा। तो 20 से कम कितना, 20 से कम आप 5 का भी गैप ले सकते हो, 10 का भी गैप ले सकते हो, 0 का भी गैप ले सकते हो। तो एक्चुअली हमें कितना लेना चाहिए, हमें पूरे डेटा को देखने के बाद, उसको समझने के बाद एक माइंड मेकअप बनाना चाहिए कि कितना क्लास हमारे लिए जस्टिफाइड होगा। कभी 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। तो जैसे इस प्रश्न के हिसाब से मैं 5 का डेटा बिल्कुल स्पष्ट होता, मैं वापस अगर उस प्रश्न पे चलूं तो आपको ज्यादा आसानी होगी। सर हमारे पास आखिरी का 1 मिनट रह गया इस चर्चा के लिए। जी ठीक है, तो मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जी, कि जब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम किस प्रकार से इसको बताना चाहेंगे कि जब हम इंटरवल क्लास बनाते हैं तो इंटरवल क्लास बनाते समय, यस ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो देखिए, बिलो 20 यानी 15 से 20, बिलो 25 यानी 20 से 25, तो मैं यहाँ देख पाता हूँ कि यहाँ मैंने एक 5 का स्टैंडर्ड गैप लेकर के यहाँ पर एक इंटरवल क्लास बनाई हुई है। तो इंटरवल क्लास बनाते समय स्टैंडर्ड गैप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक क्लास मान लेता हूँ 35 से 40, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि मेरे यहाँ पर मैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू एक स्टैंडर्ड में अगर मैं 35 से 40 मान लेता हूँ, उसकी फ्रिक्वेंसी अगर मैं 33 ले रहा हूँ, तो F0 क्या होगा, F0 उसके ऊपर की वैल्यू होगी 21 हो सकती है, और F2 क्या होगा, उसके नीचे की वैल्यू 11 हो सकती है। तो इस प्रकार से हम F0, F1, F2, L और H को समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दी गई जानकारी पर्याप्त है। जी बिल्कुल सर, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना समय देने के लिए इस कार्यक्रम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। जैसा कि आपने देखा कि हमने आज सीखा मीन, मीडियन और मोड किस तरह से निकाला जा सकता है, हमने ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा को भी समझा और साथ में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को भी समझा इस कार्यक्रम में। अगर आपने ये किसी कारणवश मिस कर दिया है तो आप इसे देख सकते हैं NCERT ऑफिशियल पर, थोड़ी देर में आपको ये अपलोडेड मिलेगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर में हम सोशल साइंस का एक कार्यक्रम लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे PME विद्या चैनल नंबर 10 पर, और जो विषय होगा वो होगा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो आप हमारे साथ देखिए, अपने सवाल तैयार रखिए और हमें भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।